आरा लक्षणपुर में होली के पावन पर्व पर खाद्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंजीनियर कुलजीत यादव, मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा ओम प्रकाश जी, एजुकेशन एरा इंग्लिश स्कूल व्यवस्थापक सुनील तिवारी के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जहां दलित महादलित परिवार विधवा असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर इंजीनियर कुलजीत यादव ने कहा कि होली का त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार है, आप अपने घर में होली मना रहे हैं यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन अपने घर के बाहर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी होली को भी ध्यान में रखकर लोगों की उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे होली का त्यौहार और भी सुंदर बन जाए। इंजीनियर कुलजीत यादव ने लोगों से अपील भी किया कि होली का त्यौहार आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है, जिसमें हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। इसी कड़ी में आज यह खाद्य सामग्री वितरण किया जा रहा है, जिसमें गरीब व आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग अपने घर में कुछ अच्छा बनाकर खा सकें। जो आर्थिक रूप से लोग मजबूत हैं उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की यथाशक्ति उतनी मदद करनी चाहिए। पिछले साल होली से हमने अंग वस्त्र ये चार गांवों को हमने विस्तृत किया, साड़ी दिए थे। अंग वस्त्र का कार्यक्रम 1 मई मजदूर दिवस को रखा गया है। फिर से अभी हम पुआ पकवान, जो हम लोग निपुण है, जो खरीद के खा सकता है वो तो खा सकता है, जो एक गरीब व्यक्ति उन खरीदने में असमर्थ है और हमारे पड़ोस के हैं, वो असमर्थ में हमको एक लगा कि नहीं, उनकी असमर्थ में अगली बार सहयोगी बना जाए और सहयोग एक संयोग से बना जाए कि ये मिसाल ये चीजें एक अगल या बगल की सारी कार्य अगल बगल के लोगों के भी है। जैसे आपके बगल में कोई पड़ोसी भूखे रह रहा, आप पुआ खा रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, आपके सामने वो भूखे है या नहीं खा सकता है, भूखे छोड़िए नहीं खा सकता है। तो हर एक व्यक्ति को ये पहल करना चाहिए, कम से कम अपने पड़ोसी को पहल करना चाहिए। ठीक है, आप इतने बड़े समाज को लेकर नहीं चल सकते हैं, बड़े बड़े आप क्षेत्र को लेकर नहीं चल सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान को अपने पड़ोसी के बारे में कम से कम सोचना चाहिए कि वो भी कुछ खा ले और वो भी उन खुश रहे। तो उनकी खुशी के लिए हम एक बड़ा पहल लिए कि चलिए हम अपने क्षेत्र या अपने गांव के आस पड़ोस या आरा में ही वैसे लोगों को मदद किया जाए जो लोग असमर्थ है, उनके लिए 200 रुपया मायने रखता है, उनके लिए 150 रुपया मायने रखता है, उनके लिए अबीर मायने रखता है। तो क्यों ना एक पावन पर्व पे उनकी खुशहाली का हिस्सा बना जाए। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का रीजनल मैनेजर मैनेजर साहब हैं, सीनियर मैनेजर, ये हमारे साथ एक सोचिए कि एक शुभेच्छु, हमेशा शुभेच्छु, बहुत हमारी टीम आज नहीं आ पाई, अमितलेश जी नहीं आ पाए, डीएसपी रीडर आचार संहिता के कारण इमरजेंसी एसपी डी ऑर्डरिंग किया कि कहीं जाना आपको नहीं है, ऐसे हमारी टीम चल रही है पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी हम ये शुरुआत इसलिए नहीं कि हम बोकारो में रहते हैं, आप पहले से जान रहे हैं जो मैं लक्षणपुर अलीपुर जी, यही सवाल है कि आप झारखंड में रहते हैं, वहां कार्य करते हैं, लेकिन अपने गांव और आसपास के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आखिर ऐसा क्या? गांव ही नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि मैं बोकारो में अभी ठंडे के मौसम में 200 कंबल बांटा, गली गली घूम के बांटा, रोड पे घूम के बांटा, रोड पे सोए हुए व्यक्ति को जगा करके मैंने बिस्किट दिया और कंबल दिया, और कंबल भी एक क्वालिटी का कंबल दिए। मैं एक मानवता कहीं आपका एक क्षेत्र नहीं बनाता है, जहां आप रहते हैं वहां बहुत संयोग से आप खुश रहते हैं और आपका परिवार खुश रहता है, उस खुशी का हिस्सा आप अकेला नहीं है, एक समाज का खुशी है, एक बगल वाले का आशीर्वाद की खुशी है। अगर आप खुश हैं तो उस खुशी का 5% हम माइग्रेट कर देते हैं समाज में। आज कार्यक्रम हमारा 5 गांव का है। अभी हम अलीपुर से आ रहे हैं, लक्षणपुर में है, फिर हम रुकचकिया में होंगे, गोपालपुर में होंगे, फिर हम कुंजन टोला गांव में। कितने लोग बीच ये खाद्य सामग्री हम एस्टिमेटेड
अप्रोक्स 3 क्विंटल रिफाइन, 3 क्विंटल चीनी, 3 क्विंटल मैदा, 1-1 केजी पर व्यक्ति हर चीज इस्टीमेटेड दिया गया। धन्यवाद यहाँ तक आए और आपके कवरेज यहाँ दे रहे हैं हमें। कुलजीत भाई को धन्यवाद कि सही आप बोल रहे थे, भी क्वेश्चन किए थे कि आप बोकारो में रहते इतना क्यों सोच लेते हैं। सही बात है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ मुंबई रहे, कर्नाटका रहे, कहाँ रहे सो, बट जहाँ आदमी रहता है उस चीज़ को भूल नहीं पाता है। और लास्ट ईयर जब हमसे संपर्क किए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम ऐसा चाह रहे हैं करना, तो हम बोले भाई हमारा तो 100% सहयोग रहेगा। हम तो ऑलरेडी पहले से, चूँकि हम बहुत पहले से करते हैं काम। और आप लोग जानकारी के लिए बता दूँ कि कल हमारे ससुर जी का श्राद्ध कर्म है गोपालपुर गाँव में, आप लोग इन्वाइटेड हैं। वहाँ भी हम एक अलग तरह से प्रयास किए कि महादलितों को, भले गांव के लोग छूट जाएं, जवाहर के लोग छूट जाएं, हितई नतई छूट जाए, महादलित में हर घर को हमने इनवाइट किया है और सबके लिए एक एक साड़ियाँ हमने खरीद कर ऑलरेडी रखी हैं, कल सबको वितरित वहाँ किया जाएगा। जहाँ भी मैं रहा हूँ, पोस्टिंग औरंगाबाद में भी रहा, समस्तीपुर रहा, जहाँ जहाँ बिहार में रहा या कर्नाटका में भी गाँव में रहा, तो ये ऑलरेडी मैं करता था। ये जैसे ही हमको बताया कि भैया ऐसा ऐसा मेरा प्रोग्राम है, मैं तुरंत इस चीज़ को एडॉप्ट किया, भाई मैं धरती पर किधर भी रहूँ आप जब भी बुलाएंगे हम आपके साथ हैं, सहयोग करेंगे। और इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है कि हम महादलित बस्तियों में जाए। अगर और सब जगह का मुझे बहुत ज़्यादा सर्वे नहीं, लेकिन बिहार को जो मैं देख रहा हूँ कि महादलित जो मुसहर जाती है रियली पिछड़ी है। यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है शिक्षा की, जो कि प्रयास कर भी रहे हैं कि कुछ बच्चों को एडॉप्ट किया जाए एक सोसाइटी बना करके, और कुछ बच्चों को तो हम निकालेंगे, ये हमारा प्रयास है। मैं इस क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से भी काम कर रहा हूँ, सामूहिक रूप से भी काम कर रहा हूँ। हर साल हम लोग गरीब कन्याओं का विवाह भी कराते हैं औरंगाबाद में, बड़े लेवल पे कराते हैं, बाबा भास्करनाथ सेवा समिति के स्तर पे एक बड़ी कमेटी है वहाँ, 21-25 मैंने इस टाइप के जितने होते हैं, टोटल खर्चा हम लोग उठाते हैं और हर कन्या को और वर को लगभग बहुत सारा सामान दे देते हैं, जितना को उनको जरूरत है, बेड से लेकर के, अलमीरा से लेकर के, अटैची वगैरह वगैरह वगैरह। आप लोग भी इन्वाइटेड हैं, नेक्स्ट ईयर फिर होगा जनवरी में, नॉर्मली हम लोग करते हैं 4 सैटरडे जनरली रखते हैं डेट को, तो आप लोग वहाँ भी आइए अगला साल से और जुड़िए और आप लोग प्रचारित करिए ताकि और से लोग मोटिवेट होकर के। मेरा पर्पस ये नहीं कि हमारा कोई पब्लिसिटी हो, हम चाहते हैं पब्लिसिटी ऐसा हो लोग मोटिवेट हो इससे, कि जैसे जुड़े तो तुरंत मोटिवेशन सबको मिला, बहुत लोग जुड़ते गए, जैसे हम करते हैं तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ वरुण कुमार सिंह जी करवाते हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो तमाम जगह 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 जगह। अभी हम अपने ब्रांच में भी बहुत अच्छे क्वालिटी का कमल भी मटवाए थे ठंडा के मौसम में, अभी हमारी पोस्टिंग पीरो के बगल में सिकरहटा में है, तो वहाँ भी हमने काफ़ी अच्छा प्रयास करके स्टाफ सदस्य के सहयोग से, अपने सहयोग से कराया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और सबको हैप्पी होली, खूब इंजॉय करिए, हैप्पी होली। सबसे पहले तो मैं इसी गांव के रहने वाला सुनील तिवारी नाम हुआ, अभी शुरू से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और आज कुलजीत जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत खुशी होता है इनका कार्यक्रम देख के, और शुरू से इनको शिक्षा भी दिए हैं, गुरुतुल्य भी हैं इनके, तो जहाँ भी इनका कार्यक्रम देखते हैं, पिछले साल ये यहाँ पर साड़ी चप्पल वितरण किए होली के अवसर पर, सारे लोग जो दलित महादलित विधवा लोग हैं सब लोग को साड़ी दिए, चप्पल दिए, सारे लोग आशीर्वाद दिए। मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि इस तरह के लोगों के सेवा में भगवान इनको आगे बढ़ाएं, मेरा भी आशीर्वाद इनके साथ हमेशा है और पूरा जीवन लोगों के समाज के कल्याण में इनका लगा रहे। भगवान इसके इनको और इनको परिवार को, मैनेजर साहब हैं इनके परिवार को, हमेशा आगे खुशहाल रखें, मेरा ये आशा। Here we create future of your kids by making them learn something new in a very interesting manner that will make your kids learn in a very effective manner. I am Rehan of SN Memorial School and I am the winner of National Science Congress. I got this position by following my teachers and coach instructions and I am very proud that I am the student of SN Memorial School. I am Shivam Singh, a student of SN Memorial School. I am a badminton player. I played a state level championship in Bhagalpur. I achieved the first position in Bhagalpur by the help of my teachers and coach. I am Vindhyachal Rai, faculty English, member of SN Memorial International School. We totally work upon language and behavior of students. If you are very much informed and packed with knowledge but without good conduct, it must not be taken for proper study.